सो बेसिकली ये है ना कि यहाँ पे सारा का सारा जिस एरिया में अब हम आए हैं यहाँ पे सब ना होलसेल में मार्केट है। तो अगर आपको कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना है ना तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि आप ये देखिए ना कि होलसेल मार्केट, और इधर अभी जहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया वो भी होलसेल मार्केट थी। तो अगर आपको कोई भी चीज़ लेनी ना तो वो थोड़ा बल्क में लेनी होगी, मतलब एक दो पीसेस के लिए नहीं। तो उन्होंने हमसे बोला तो हम यहाँ पे आ गए। बट हमें एक अच्छी जानकारी ये मिल गई कि अगर हम अपना ना कोई भी काम शुरू करना चाहें तो यहाँ से ही हमें लेना होगा। और अभी तो मतलब ये शुरुआत थी, जब आप बिजनेस करना शुरू करोगे या कोई भी चीज़ लोगे आप या सिंगल भी लोगे ना तो आप उसमें आपका डिस्काउंट वगैरह होता रहेगा। जैसे कि ये चिकन फैक्ट्री है तो यहाँ पे ना सारी की सारी मील वगैरह है, तो यहीं से ही सारी चीज़ें ना यहीं से ही सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं, प्रिंट होती हैं, डिज़ाइन होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए मैडम जी, हम कोई बुलाने आए हैं तो चलिए हम यहाँ पर भी एक बार चलते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कलेक्शन है। थोड़ा तेज बोलिएगा। ये 550 की है। अच्छा, इसमें ये प्रिंट है इस वजह से है ना। दिस इज 250 स्टार्टिंग है, और अभी अगर आप काफी सारा लोगे माल वगैरह तो भी आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। ये देखो, ये 450 की है। अच्छा, ये कौन सा फैब्रिक है? खादी कॉटन। खादी कॉटन। ये चंदेरी की, चंदेरी कॉटन, चंदेरी। डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी, क्योंकि हमने कहा ना कि वी आर लखनवी, हम चिकन खाते भी और चिकन पहनते भी हैं, तो इसमें भी ना वैरायटी होनी चाहिए। जैसे चिकन में वैरायटी होती है ना, मसाला चिकन, हांडी चिकन, डिफरेंट काइंड ऑफ। तो ये है मलमल कॉटन। आप ही लोग मतलब प्रिंट वगैरह करवाते हो, कढ़ाई वगैरह? छोटा है, हाँ, पीछे में फैक्ट्री। अच्छा अच्छा, दिखा सकते हैं वीडियो में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पीछे दिखा दो बेटा। आई मैम, हम बड़े हैं, आपको शॉप में लेकर चले। मैं पीछे जो फैक्ट्री है कढ़ाई होने के बाद धुलाई होगी, इसी को हैंडवर्क लखनऊ चिकनकारी बोलते हैं। ठीक जी। इनसे छपाई होती है, इन पर लकड़ी के ब्लॉकेज होते हैं, इनसे छपाई होती है, उसके बाद फिर धागे से कढ़ाई होती है। जो लेडीजें वर्क करती हैं महीने दो महीने में, उसी को फिर ये आता है, नदी पे धुलाई होती है, उसको गंदा भी हो गया है, नदी पे धुलाई होगी, उसके बाद फैक्ट्री में रेडी होता है। थैंक यू जी, बढ़िया सा अच्छा सा फटाफट से वाला कलेक्शन देखिए। बहुत है ना, बहुत, हाँ बहुत चल रहा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब जगह। तो मेरे को ये आप भी क्या रेट होगा इसका? सब अलग अलग एक बताइए आप। आएगा 300। 300 50। और ये अगर प्लाजो होगा तो? प्लाजो अलग आएगा, प्लाजो भारी वाला है। नहीं, जैसे ये साथ में है तो इसका क्या रेट होगा? ये पूरा सेट आएगा आपका 13.5। एक मेरे को ना वो आप ब्लैक वाले कुर्ते भी दिखा सकते हैं ना, वहीं पे जाके टिक गई है। से हम आए लखनऊ के, तो है यहाँ का ही इंसान माल को समझ सकता है चिकन है, बाकी तो चिकन के नाम से यही आइटम बिकता है। हाँ, चिकन के नाम से यही बिकता है, सही कहा आपने। बट हम लोग अपने भी है ना, तो हमें सब पता है कि कहाँ से क्या लेना है और कहाँ पे क्या एक्चुअल चीज मिलेगी। कम से सस्ता चाहिए। तुम भी जो पंडित जी होगा अच्छा
जैसे ये सारा हाथ का है ना, अच्छा उनको मत लीजिएगा। और ये जो डिजाइन है ये कटदाना, आप जानते सब हाँ जानते सब है, बट मुझे आपके मुंह से पूछना है क्योंकि दुकान आपकी है ना और हम पहनते भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं क्योंकि लखनऊ से ही है। तो ये पूरा सूट कितने का होगा? 35। और लोवर पूरा सूट है, मतलब इसमें आप प्लाजो बनाना चाहो और चाहे शलवार बनाना चाहो और कुर्ता विद दुपट्टा 3500 रुपये। बाकी अंकल डिस्काउंट कर देंगे अगर आपको आना हो। कर लिया हमने ऑटो वगैरह और बहुत मतलब शाम हो चुकी है, रात नहीं हो रही क्योंकि आपको सारी की सारी गाड़ियों की हेडलाइट दिखाई दे रही होंगी कि काफ़ी रात हो चुकी है और कैमरा भी ब्लर हो रहा है। तो हमने सोचा जल्दी से चलो घर चलते हैं और घर चल के कुछ खाएंगे पिएंगे। तो मैंने इसीलिए बोला था कि अगर आपको आना है ना तो आप अपने साधन से आओ, मतलब अगर अपने साधन से आ रहे हो सॉरी तो आप बाइक से या स्कूटी से आओ प्लीज़। आप फोर व्हीलर से बिल्कुल भी मत आना क्योंकि आप बहुत रश होता है, क्योंकि पुराना लखनऊ है तो ना यहाँ पे सारे के सारे काफ़ी सारे एंशियंट चीज़ें हैं तो लोग टूरिस्ट पर्पज़ से भी आते हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा रश हो जाता है। और इसीलिए हमने ऑटो किया है, हम अपनी राइड से नहीं आए हैं, हम बढ़िया कैब बुक कर रहे हैं और हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमें जहाँ भी आना है। सो चलिए जल्दी से घर चलते हैं क्योंकि घर चल के भी बहुत सारे काम हैं। जब अपनी चीज लेने तो थोड़ी बार्गेनिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो मैंने आपसे जैसे बोला था कि अगर आपको लेना होगा ना तो बार्गेनिंग तो सब जगह चलता है और वी आर इंडियंस और वी आर लेडीज एक्चुअली, तो हम अगर बार्गेनिंग कर ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने ना ये सूट वहाँ से ले लिया जहाँ से मैंने लास्ट में जहाँ होलसेल मार्केट मैंने आपको दिखाई थी। तो ये सूट मेरे को ना इतने का पड़ा, सिर्फ ओनली ₹5 का नहीं 500 का। तो मैंने इसलिए बोला कि अगर आपको जाना होगा ना तो डिस्काउंट वगैरह करा लीजिएगा, होलसेल में भी ना डिस्काउंट हो जाता है, होता है मतलब सब जगह होता है। तो ये पूरा ऑल ओवर सूट है और मुझे ना कॉफी में ना लग जाए, तो मुझे ना ये थोड़ा आजकल बहुत कलर मतलब अच्छा लग रहा है मुझे ये। आपने ये नोटिस किया इसे मग का कलर देखिए और इसका कलर देखिए। तो ये मैंने ना फिर ये वाला ले लिया था क्योंकि होलसेल मार्केट में जाओ और वहां पर भी अगर ना लो तो फिर क्या ही फायदा, क्योंकि आपने पहले देखा होगा कि वो जब मैं फूल वाली गली में गई थी ना तो वहाँ पे ये मुझे 1000 का दे रहे थे कॉटन सूट और कम कर भी नहीं रहे थे भैया। और फिर वही मैं टेक्सटाइल में गई, होलसेल मार्केट में गई तो मुझे 500 का मिला। तो एक गली से दूसरी गली के बीच में ही आप सोचो कि 500 का फासला है, तो इसीलिए बार्गेनिंग ज़रूर करिएगा। और मैं तो ये कहूँगी कि आप होलसेल मार्केट जाकर के ही लेना, ही फूल वाली गली में मत जाइएगा, क्योंकि मुझे पहली चीज़ नहीं पता थी तो मैं वहाँ एक्सप्लोर करने चली गई और सारी की सारी वैरायटी वहीं से ही आकर के पूरे इंडिया हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो, किसी भी शॉप पर भी हो, वहीं से ही जिसको बोलते हैं कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या डिस्पैच करी जाती है। सो इस व्लॉग का मैं वाइंड अप ले रही हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए फॉलो फॉर मोर। सो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।